जय किसान जय जवान का नारा देने वाले और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का 11 जनवरी 1966 को निधन हो गया। शास्त्री अपनी साफ सुथरी छवि और सादगीपूर्ण जीवन के लिए जाने जाते रहे। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद 9 जून 1964 को शास्त्री देश के पीएम बने थे। 18 महीने तक देश के प्रधानमंत्री रहे। लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में भारत ने 1965 की जंग में पाकिस्तान को करारी शिकस्त देते हुए बांग्लादेश को आजाद कराया था। ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी 1966 की रात में रहस्यमय परिस्थितियों में शास्त्री की मौत हो गई। उनकी मौत के वक्त उनके होटल में ही मौजूद पत्रकार कुलदीप नैयर ने बताया कि उस रात क्या हुआ था। सन 1965 में भारत ने पाकिस्तान के कश्मीर पर हमले के बाद कच्छ की ओर से पाकिस्तान में सेना को भेजने का निश्चय किया, जिसके बाद भारतीय सैनिक ने पाकिस्तान के अच्छे खासे इलाके का अतिक्रमण कर लिया। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने 1966 में हुए ताशकंद समझौते में पाकिस्तान को हाजीपीर और ठेतवाल के जीते इलाके वापस कर दिए, जिसके बाद शास्त्री की काफी आलोचना हो रही थी। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर बताते हैं कि देर रात शास्त्री ने घर पर फोन मिलाया। फोन उनकी सबसे बड़ी बेटी ने उठाया था। फोन उठाते ही शास्त्री बोले, अम्मा को फोन दो। शास्त्री अपनी पत्नी ललिता को अम्मा कहा करते थे। उनकी बड़ी बेटी ने जवाब दिया, अम्मा फोन पर नहीं आएंगी। जिसके बाद शास्त्री जी ने पूछा क्यों। जवाब आया, क्योंकि आपने हाजी पीर और ठेतवाल पाकिस्तान को दे दिया है, वो बहुत नाराज है। इसके बाद शास्त्री परेशान होकर अपने कमरे में चक्कर लगाने लगे। हालांकि कुछ ही देर में उन्होंने फिर से अपने सचिव वेंटर रमन को फोन किया। वो भारत में नेताओं की प्रतिक्रिया जानना चाहते थे। उन्हें बताया गया कि अभी तक दो ही प्रतिक्रियाएं आई है, एक अटल बिहारी वाजपेयी की और दूसरी कृष्ण मेनन की। दोनों ने ही उनके इस कदम की आलोचना की है। उस रात की कहानी बताते हुए कुलदीप आगे बताते हैं कि उस समय भारत पाकिस्तान समझौते की खुशी में होटल में पार्टी चल रही थी। चूंकि वे शराब नहीं पीते थे तो वे अपने कमरे में आ गए और सो गए। मैं अपने कमरे में था, अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, जहां सामने एक रूसी औरत खड़ी थी जो उनसे बोली, योर प्राइम मिनिस्टर इज डाइंग। जिसके बाद कुलदीप नैयर बताते हैं कि वे तेजी से अपना कोट पहनकर नीचे आए। वहां पर रूसी प्रधानमंत्री कोसिगिन खड़े थे और उन्होंने कुलदीप नैयर से कहा, शास्त्री जी नहीं रहे। वहां पर बहुत बड़े से एक पलंग पर शास्त्री जी का छोटा सा शरीर सिमटा हुआ पड़ा था। कुलदीप नैयर बताते हैं कि वहां पर जनरल अयूब भी पहुंचे और कहा, Here lies a person who could have brought India and Pakistan together। यानी यहां एक ऐसा आदमी लेटा हुआ है जो भारत और पाकिस्तान को साथ ला सकता था। लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल बताते हैं कि लंबे वक्त तक उनकी माँ यह कहती रही कि अगर वे शास्त्री जी के साथ इस दौरे पर ताशकंद गई होती तो शास्त्री जी की मौत नहीं होती। वैसे यह अकेला दौरा था जब उनकी पत्नी उनके साथ नहीं गई थी, बाकी हर दौरे पर वह उनके साथ जाती थी। हालांकि यह बहुत ही कूटनीतिक दौरा था तो विदेश मंत्रालय ने उन्हें न जाने का सुझाव दिया था।